अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपको बताया था वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन करी थी और साथ में इसकी जो है एग्जाम्पल कुछ करी थी ताकि मजीद क्लियर हो जाए। आज हम पढ़ते हैं अनटू फंक्शन के बारे में। अनटू फंक्शन क्या होता है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अनटू फंक्शन के बारे में कि क्या होता है। अनटू और सब्जेक्टिव फंक्शन, इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन। सो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन को कहते हैं अगर डोमेन की जो भी एलिमेंट्स है, जो b की जिस एलिमेंट मैप करते हैं, जो b की जितनी भी एलिमेंट्स है उसको कहते हैं वो कोडोमेन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये रेंज है, अगर ये रेंज सारा का सारा यूज होगा, ठीक है, तो जो है ना उसको हम ये कहेंगे कि वो ऑनटू फंक्शन होगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एफ आर टू एन है, रियल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, और हमने एक फंक्शन ले लिया लॉग एक्स का। अब आप इसको देखें, इसको सोचें कि ये किस तरह होगा। जैसा रियल नंबर में साइन नंबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता। अगर फंक्शन बनता है, पहले फंक्शन को देखना होता है कि फंक्शन बनता है या नहीं बनता, उसके बाद देखना होता है कि ऑन टू भी बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लूँ, लेट सपोज वो टू है, ठीक है, तो जो लॉग टू है उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉइंट पे आती है, ठीक है। लेकिन देखा जाएगा जो पॉइंट में जो भी वैल्यू उसकी आती है तो वो तो इस नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उस नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो है वो पॉइंट्स में वैल्यू आती है, जो भी पॉइंट्स में आएंगे। अब हम आगे ले लेते हैं, किसी को ले लेते हैं, ठीक है, और फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर करेंगे, यहाँ पे आगे जगह पे नेचुरल कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज अगर नेचुरल से नेचुरल कर लेते हैं तो आप सोचेंगे अब ये होता है या नहीं होता। अभी नहीं होगा, क्योंकि जो हम एफ एफ में जब वन एक्स की जगह जब वन लेंगे तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लॉग वन हो जाएगा, ठीक है, और लॉग वन जीरो के इक्वल होता है तो वो अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए जब नेचुरल टू नेचुरल लेंगे तब भी ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनता है। अभी हमने ये दो एग्जाम्पल कर लिए, इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल करते हैं ताकि और मजीद क्लियर हो जाए। अब देखिए, फंक्शन आर टू आर है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक। अगर हम फंक्शन एक्स प्लस वन ले लें, आर है आर, तो आर में तो बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, चाहे रेशनल या इरेशनल नंबर हो। जीरो लेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है, तो इस आर से वो बिलोंग करता है जो आंसर जो भी आएगा। अगर हम यहाँ से वन ले लें तो यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पर भी बिलोंग करता है। इसे यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी ले लें तो जो भी आंसर आएगा वो इसी आर में से बिलोंग करेगा। तो उसका ये मतलब हो गया कि जो इमेज है, ठीक है, इस आर में जो भी इमेज बन रहा है उसका प्री इमेज जो है इसके डोमेन में मौजूद है। कोई भी अगर हम फंक्शन लेते हैं तो हमें देखना है कि वाकई में वो फंक्शन बनता है या नहीं बनता। इसके अलावा जो है आपने ये देखना, इसका रेंज जो है वो सारा सारा यूज होना चाहिए, ठीक है, मतलब रेंज सही है। यहाँ पर रेंज और को डोमेन जो है हमेशा इक्वल होने चाहिए, क्योंकि रेंज जो है सारा सारा यूज होना चाहिए, उसमें से कोई एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इसके जितनी भी एलिमेंट्स होंगे वो यूज हो रहे हैं। यहाँ पे सारा सारा डोमेन भी यूज हो रहा है, इसलिए फंक्शन भी बनता है और यहाँ पे सारा रेंज भी यूज होगा, ठीक है। फंक्शन ऑन टू फंक्शन, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि ऐसे फंक्शन बताएं जो कि ऑन टू फंक्शन ना हो, तो अभी अगर एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर कहेंगे ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अगर आपको कुछ सही तरह क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे दोबारा फिर से बनाकर दे दूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।